अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। केजरीवाल के शराब घोटाले में कई सवाल किए गए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कुछ आरोपियों के साथ केजरीवाल के सामने बिठाकर सवाल किए जाएंगे। सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर लगी रोक के खिलाफ नई याचिका दाखिल हो सकती है, आज सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। पित्रोदा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा के विवादित बयानों पर काफी हंगामा मचा था और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सैम पित्रोदा की वापसी पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयानों से सहमत है। जो नस्ल पर भी डिवाइड करते हैं, जो त्वचा पर भी डिवाइड करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फिर से रिवॉर्ड करने का काम कांग्रेस के प्रथम परिवार ने किया। बीजेपी एजी सेल के हेड अमित मालवी ने भी सैम पित्रोदा की वापसी पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कांग्रेस भारत को धोखा देती है। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज एमसीडी की बैठक, एमसीडी के नए कमिश्नर के चार्ज लेने के बाद आज पहली बैठक। एमसीडी की बैठक में बीजेपी दिल्ली की 2 करोड़ जनता के पानी के संकट को उठाएगी। बैठक में पार्किंग शुल्क का भी मुद्दा उठ सकता है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी और बीजेपी कार्यकर्ता आज करेंगे प्रदर्शन, आज सुबह 10 बजे बीजेपी करेगी प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद से सेंगोल हटाने के लिए स्पीकर को लिखा पत्र, कहा सेंगोल महाराजाओं का प्रतीक है, संविधान की प्रति लगाई जानी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने की भारत की तारीफ, भारत के अच्छे संबंध बनाने की बात कही। शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने अलग गुट बनाने की घोषणा, कोशिश कर अकाली नेताओं को दिया अल्टीमेटम, कहा मंच पर आकर बात रखनी चाहिए नहीं तो पार्टी से बाहर माना जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने उनसे इस्तीफा मांगा, वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया, सुखबीर बादल अध्यक्ष बने रहेंगे। पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने की सुखबीर सिंह बादल से अपील, कहा पार्टी को एकजुट रखना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आपातकाल को देश के साथ छलावा बताया, कहा आपातकाल लोकतंत्र के साथ भद्दा मजा। यूपी के बहराइच में अपना दल ने छत्रपति राजर्षि साहू महाराज की जयंती मनाई, कार्यक्रम में अपना दल युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूपी के रामपुर में आम आदमी पार्टी के सभासद प्रत्याशी का पर्चा खारिज, आम आदमी पार्टी ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के डोडा में अब तक 3 आतंकियों का खात्मा, पहाड़ में छिपे 4थे आतंकी की तलाश, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में मारे गए आतंकी से कार्बाइन राइफल बरामद हुई, अमेरिका की बनी M4 कार्बाइन राइफल बरामद हुई है। डोडा में मारे गए जैश के पाकिस्तानी आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, चीनी मूल के विस्फोटक उपकरण भी पाए गए। डोडा जिले के गंधू और भद्रवास सेक्टर में चल रहा संयुक्त अभियान, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों से मिले गोला बारूद।